नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। राजस्थान में सियासी ड्रामा जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई अब हाईकोर्ट पहुंच गई है। पायलट और उनके 18 समर्थकों को पार्टी व्हिप के उल्लंघन में मामले में विधानसभा स्पीकर की ओर से नोटिस जारी किया गया है। पायलट ने इस नोटिस में हाईकोर्ट को चुनौती दी है। इस पर गुरुवार को लंबी बहस हुई और आज भी सुनवाई होनी है। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज मीडिया से मुखातिब होने वाले थे, लेकिन कुछ ही देर पहले ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई। आखिर क्या होगा राजस्थान की राजनीति में? क्या पायलट मान जाएंगे या फिर राजस्थान में सत्ता पलट के आसार दिख रहे हैं? आइए अब तक के ताजा हालात को हम आपको 10 पॉइंट के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। सचिन पायलट और 18 अन्य बागी विधायकों ने गुरुवार को उन्हें राज्य विधानसभा के आयोग करार करने के लिए कांग्रेस की मांग पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा भेजे गए नोटिस को चुनौती दी है। इस मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के एक खंडपीठ शुक्रवार दोपहर 1 बजे सुनवाई कर सकती है। विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय में विधायकों को आज दोपहर 1 बजे तक ही नोटिस का जवाब देने को कहा है। इस याचिका पर गुरुवार को करीब 3 बजे न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने सुनवाई की, लेकिन बागी खेमे के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश सालवे ने नए सिरे से याचिका दायर करने के लिए समय मांगा। शाम करीब 5 बजे असंतुष्ट खेमे के संशोधित याचिका दायर की और अदालत ने इसे 2 न्यायाधीशों की पीठ के नियुक्त के लिए मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती को भेज दिया। दोनों पक्षों की ओर से अदालत में जाने माने अधिवक्ता पेश हुए थे। विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय की ओर से कांग्रेस नेता अभिषेक मानु सिंघवी अदालत में पेश हुए थे। वहीं हरीश सालवे और मुकुल रोहितगी पायलट खेमे की ओर से अदालत आए थे। विधानसभा अध्यक्ष को भेजी गई शिकायत में कांग्रेस ने पायलट और अन्य बागी विधायकों के खिलाफ संविधान की 10वीं सूची के पैराग्राफ 2A(a) के तहत कार्यवाही करने की मांग की है। इस प्रावधान के तहत अगर कोई विधायक अपनी मर्जी से उस पार्टी की सदस्यता छोड़ता है जिसका वह प्रतिनिधि बनकर विधानसभा में पहुंचा है, तो वह सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाता है। राजस्थान की 200 सदस्य विधानसभा में कांग्रेस के पास 107 और भाजपा के पास 72 विधायक हैं। अगर 19 बागी विधायकों को अयोग्य करार कर दिया जाता है तो राज्य विधानसभा में मौजूदा प्रभावी संख्या घटकर 181 हो जाएगी, जिससे बहुमत का जादुई आंकड़ा 91 पर पहुंच जाएगा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए बहुमत कायम रखना आसान होगा। सचिन पायलट के अदालत का रुख करने के बाद कांग्रेस नेताओं का एक धड़ा मानता है कि राजस्थान में पूर्व उप मुख्यमंत्री बहुत आगे जा चुके हैं। हालांकि सूत्रों ने बृहस्पतिवार को कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में अभी पायलट के लिए दरवाजे खुले रखना चाहता है। सूत्रों ने ये भी बताया कि पार्टी नेतृत्व ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कहा है कि वह पायलट के खिलाफ तल्ख टिप्पणियों से परहेज करें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने बृहस्पतिवार को राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर वह भाजपा में नहीं जा रहे हैं तो फिर लगता है कि हरियाणा के मानेसर में एक होटल में बागी विधायक कांग्रेस के विधायकों के साथ छुट्टियां मना रहे हैं। अपनी ही सरकार से बगावत करने वाले पूर्व डिप्टी सीएम और पीसीसी चीफ सचिन पायलट का खेल उनकी ही 4 करीबी विधायक मित्रों ने बिगाड़ डाला। ये 4 विधायक पायलट के खास दोस्तों में गिने जाते हैं। सूत्रों का दावा है कि जयपुर में विधायक दल की बैठक से 1 दिन पहले तक के सभी पायलट के साथ ही थे। होटल ITC के कैंप में भी मौजूद रहे थे, लेकिन सचिन पायलट ने गहलोत सरकार के अल्पमत के दावे से कुछ घंटे पहले ही ये दिल्ली पहुंचे।
नागौर के सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने एक ट्वीट में अपने फॉलोअर्स को बताया कि राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का गठजोड़ जनता के सामने खुलकर आ गया है। ये दोनों एक दूसरे के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालते रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि पायलट पार्टी छोड़कर जाए। सूत्रों ने कहा कि सचिन पायलट को बेशक उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख पद से हटा दिया गया है, इसके बावजूद पार्टी के नेता उनके संपर्क में है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कोई भी परिवार में वापस आ सकता है। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। कांग्रेस ने बागी विधायक भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया है। इन दोनों विधायकों पर भारतीय जनता पार्टी से सांठगांठ करके गहलोत सरकार गिराने का आरोप है। इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा कि सचिन पायलट अपनी स्थिति साफ करें। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि आज बीजेपी राजस्थान की सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। इसके कुछ ऑडियो भी सामने आ रहे हैं जिसमें राजस्थान के कांग्रेस विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस नेता भंवरलाल शर्मा और बीजेपी नेता संजय जैन की बातचीत के बारे में बताया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। पार्टी ने उन्हें कारण बताते पर नोटिस भी जारी किया है। कल मीडिया को चौंकाने वाले टेप दिखाए गए थे जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा नेता संजय जैन और कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा ने सरकार गिराने की बात कही थी। सचिन पायलट के साथ बातचीत के सवाल पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि किसी स्तर पर बातचीत हो रही है उसको लेकर मैं यहाँ कुछ नहीं कह सकता। हमारा कहना है कि कल सुबह भुला कर अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भुला नहीं कहते। पार्टी या व्यक्तिगत स्तर पर बातचीत का खुलासा करना ठीक नहीं है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाए हैं कि केंद्र मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सरकार गिराने की साजिश में शामिल है। उन पर तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और गिरफ्तारी की मांग भी होनी चाहिए। जांच में सामने आना चाहिए कि केंद्र सरकार के कौन से व्यक्ति इस पूरी प्रक्रिया में शामिल है। अब हर खबर आपके मोबाइल